भगवान शिव का धाम केदारनाथ एक नहीं बल्कि कई रहस्यों का घर है। महाभारत काल में इसका निर्माण पांडवों के द्वारा किया गया था। उसके बाद समय समय पर यहाँ पर कई प्राकृतिक आपदाएं आईं, लेकिन मंदिर हमेशा सुरक्षित रहा। यहाँ तक कि एक समय में तो मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। 2013 में आई भीषण आपदा में भी केदारनाथ के पीछे चमत्कारिक रूप से भीमशिला आ गई, जिसने मंदिर की सुरक्षा की। केदारनाथ का रहस्य इसके निर्माण से लेकर बाद में हुए कई चमत्कारों को समेटे हुआ है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको एक एक करके केदारनाथ के सभी रहस्य बताएंगे। केदारनाथ मंदिर का निर्माण। जब आप केदारनाथ घूमने जाएंगे तो देखेंगे कि मंदिर का निर्माण कटवा के भूरे रंग के विशाल पत्थरों, चट्टानों व शिलाखंडों से किया गया है। इनको जोड़ने के लिए आपस में इंटरलॉकिंग की गई है। जो केदारनाथ मंदिर है वो समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब यहाँ पर रहस्य की बात यह है कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर इन पत्थरों व शिलाखंडों को कैसे पहुंचाया गया, साथ ही इन्हें कैसे एक के ऊपर एक रखकर मंदिर का निर्माण किया गया। केदारनाथ मंदिर के ऐसे भव्य निर्माण की आज के समय में केवल परिकल्पना ही की जा सकती है। 400 वर्षों तक हिम में दबा रहा केदारनाथ, इसके पीछे का रहस्य आइए जानते हैं। पांडवों के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। इसके बाद उन्होंने इसी मंदिर के पीछे समाधि ले ली, जो आज तक वहां है। इसके बाद 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच कई भारतीय राजाओं ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक यह क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ से ढका रहा। जी हाँ दोस्तों, लगभग 400 वर्षों तक फिर भी मंदिर को कोई क्षति नहीं हुई। इसके प्रमाण आज भी मंदिर की दीवारों पर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि 17वीं शताब्दी के बाद हिम का अनुपात जब कम हुआ तो मंदिर पुनः दिखाई देने लगा, और इसके बाद से केदारनाथ की यात्रा पुनः शुरू कर दी गई। केदारनाथ के पास स्थित है भैरवनाथ मंदिर। जब भी आप घूमने जाएंगे तो आप यहाँ जरूर जाएं। केदारनाथ मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध भैरवनाथ जी का मंदिर है। इसे इस क्षेत्र का क्षेत्रफल भी कहा जाता है, जो इस मंदिर की सुरक्षा करते हैं। सर्दियों के माह में दीपावली के अगले दिन से केदारनाथ मंदिर के कपाट भीषण बर्फबारी के कारण बंद कर दिए जाते हैं, और इसके बाद 6 महीने के बाद अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। मान्यता है कि इन 6 माह में मंदिर की सुरक्षा का भार श्री भैरवनाथ जी ही संभालते हैं। और केदारनाथ में जलती है अखंड ज्योत, इसके पीछे का रहस्य आइए जानते हैं। सर्दियों के माह में जब केदारनाथ मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, तब यहाँ रहस्यमय तरीके से अखंड ज्योत लगातार 6 महीने तक प्रज्वलित रहती है। दीपावली के बाद से यहाँ पर भीषण बर्फबारी होने के कारण केदारनाथ मंदिर बंद कर दिए जाते हैं, सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। इन 6 माह में वहाँ के स्थानीय नागरिक भी वहाँ नहीं रह पाते। इस कारण से वहाँ से सभी श्रद्धालु, भक्तगण, स्थानीय नागरिक, दुकान वाले, उत्तराखंड सरकार के अधिकारी इत्यादि सब नीचे आ जाते हैं। केदारनाथ भगवान के प्रतीकात्मक स्वरूप को नीचे ऊखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है इन 6 महीने के लिए। जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा 6 माह बाद केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं, तब भी वहां पर अखंड ज्योत जलती हुई मिलती है। साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि कल ही यहाँ किसी ने पूजा की थी। 6 माह तक मंदिर बंद रहने के पश्चात भी ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर की अच्छे से साफ सफाई की गई है। यह केदारनाथ मंदिर के रहस्यों में से सबसे बड़ा रहस्य है। केदारनाथ मंदिर की भीमशिला। वर्ष 2013 में उत्तराखंड व केदारनाथ में आई भयंकर त्रासदी के बारे में कौन नहीं जानता होगा। उस समय आसमान से इतनी भयंकर मेघ गर्जना व वर्षा हुई थी जितनी संभवतः आज तक नहीं हुई है। उस आपदा में लगभग 10,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु मारे गए थे। सभी नदियां उफान पर थी, हर जगह भीषण बाढ़ आ गई थी। तब बाढ़ का प्रचंड रूप केदारनाथ मंदिर की ओर भी बढ़ रहा था। केदारनाथ मंदिर के पीछे जो आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल है, वो भी पूरी तरह से बाढ़ में बह गई। इससे पहले कि बाढ़ का पानी केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचता, उससे पहले ही चमत्कारिक रूप से एक विशाल चट्टान पानी में बहती हुई आई और ठीक मंदिर के पीछे रुक गई। इसी चट्टान से टकराकर पानी का बहाव 2 भागों में बट गया और मंदिर के दोनों ओर से निकल गया।
आज हम इस चट्टान को भीमशिला नाम से जानते हैं। जो भी केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने जाते हैं वो इस चट्टान की पूजा करते हैं। मान्यता है कि स्वयं महादेव ने मंदिर की सुरक्षा के लिए इस भीमशिला चट्टान को केदारनाथ धाम भेजा था। इन सभी रहस्यों के अलावा एक बात और है जो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार भविष्य में संपूर्ण क्षेत्र की जो तीर्थ है वो लुप्त हो जाएंगे, जिनमें केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम प्रमुख हैं। पुराणों के अनुसार एक दिन नारायण की शक्ति से पहाड़ों का मिलन होगा व बद्रीनाथ तथा केदारनाथ के मार्ग लुप्त हो जाएंगे। इसके बाद एक नए धाम का उदय होगा जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, रोचक और रहस्यमयी जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है। सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें।